पर एक बात याद रखना, नाम बदलने से रावण राम नहीं बन जाता, जैसे लेबल बदलने से लेबल नहीं बदलता। महाठग बंधन के रावण का दहन किया जाता है, चयन नहीं देश हित में जारी। गुरपतवंत सिंह बंदू की कथित हत्या मामले में अमेरिका लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब भारत के समर्थन में रूस आ गया है। यही नहीं, रूस ने इस मामले को लेकर अमेरिका को भी लताड़ लगाई है। क्या कहा है रूस ने और क्या कुछ है ये मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। भारत विरोधी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के बाद से ही अमेरिका भारत पर हत्या का दोष मढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब इस मामले में रूस भारत के समर्थन में आ गया है। यही नहीं, रूस ने अमेरिका पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। रूस ने कहा है कि अमेरिका भारत के लोकसभा चुनाव में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है, भारत के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी कर रहा है। दरअसल रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा से बुधवार को जब पन्नू मामले में अमेरिका के भारत पर लगाए आरोपों पर सवाल पूछा गया, तो जखारोवा ने कहा, अमेरिका बेबुनियाद आरोप लगाकर भारत का अपमान कर रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है, अमेरिका ने अभी तक ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि भारत पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल था। इसके अलावा धार्मिक आज़ादी के उल्लंघन के आरोप भी भारत को लेकर अमेरिका की कमजोर समझ को दिखाते हैं। मारिया जखारोवा ने आगे कहा है कि अमेरिका भारत के खिलाफ लगातार झूठे आरोप लगा रहा है, उसे भारत की राष्ट्रीय मानसिकता और इतिहास की समझ नहीं है, क्योंकि अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में निराधार आरोप लगाता रहता है। वाशिंगटन की कार्रवाई स्पष्ट रूप से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, जहां तक पन्नू की हत्या की साजिश की अटकलों का सवाल है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है, इसीलिए यह स्वीकार्य नहीं है। अमेरिका एक देश के रूप में भारत का सम्मान नहीं कर रहा है। यही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि धार्मिक आज़ादी के उल्लंघन की बात अमेरिका की भारत की राष्ट्रीय मानसिकता को लेकर कमजोर समझ और संप्रभु देश के तौर पर भारत के प्रति अनादर को दर्शाती है। वहीं रूसी अधिकारी ने कई अन्य देशों के खिलाफ गलत आरोप लगाने के लिए अमेरिका की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामलों में वाशिंगटन से अधिक दमनकारी शासन की कल्पना करना कठिन है। उन्होंने आगे कहा, ये सिर्फ भारत पर लागू नहीं होता है, अमेरिका का मकसद भारत के आंतरिक राजनीतिक हालात में गड़बड़ी पैदा करना है जिससे आम चुनाव बाधित किए जा सके, ये भारत के अंदरूनी मामलों में दखल का हिस्सा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पन्नू मामले में भारत पर क्या आरोप लगे हैं। दरअसल अमेरिका ने पिछले साल नवंबर में भारत पर न्यूयॉर्क में गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। हालांकि अमेरिका ने इस साजिश को नाकाम कर दिया था, जिसके बाद 29 नवंबर को इस मामले में न्यूयॉर्क पुलिस की चार्जशीट सामने आई थी, जिसमें भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता का नाम था। चार्जशीट में लिखा था, पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के वक्त पन्नू को मारने की कोशिश की गई, इसकी प्लानिंग भारत के पूर्व सीआरपीएफ अफसर ने की। रिपोर्ट सामने आने के बाद अमेरिका लगातार भारत से मामले की जाँच में सहयोग करने की अपील कर चुका है। वही भारत ने अमेरिका के आरोपों को बेतुका बताया है। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका मीडिया हाउस वाशिंगटन पोस्ट ने ये दावा किया था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय जांच एजेंसी रॉ का हाथ था। रिपोर्ट के मुताबिक पन्नू की हत्या की पूरी प्लानिंग रॉ के एक सीनियर अधिकारी विक्रम यादव ने की थी। भारत ने इस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया था। अमेरिका यही नहीं रुका, अमेरिका के द वाशिंगटन पोस्ट में कहा गया था कि अपने दुश्मन के खिलाफ भारत अब रूस और सऊदी अरब की तरह ही करने की कोशिश कर रहा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू एक भारत नामिक आतंकवादी है जिसके पास अमेरिकी और कैनेडाई नागरिकता है। इससे पहले नवंबर में अमेरिकी न्याय विभाग ने पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में कथित संलिप्तता के लिए एक भारतीय नागरिक के खिलाफ अभियोग को रद्द कर दिया था। क्या है गुरपतवंत सिंह पन्नू का मामला, चलिए आपको बताते हैं। अमेरिका के न्याय विभाग के अनुसार 52 साल के निखिल गुप्ता एक भारतीय नागरिक हैं। 30 जून 2023 को चेक रिपब्लिक में गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था।
अब चेक रिपब्लिक से निखिल गुप्ता को अमेरिका प्रत्यर्पण किया जाएगा। अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि भारत के एक सरकारी अधिकारी जिसके नाम का खुलासा नहीं हुआ है, वह निखिल गुप्ता और अन्य उस सरकारी अधिकारी के संपर्क में था। ये लोग अमेरिका में एक राजनीतिक कार्यकर्ता गुरुपतवंत सिंह पन्नू, जो भारतीय मूल का है और अमेरिकी नागरिक है, उसकी हत्या की साजिश रच रहे थे। पिछले महीने द वॉशिंगटन पोस्ट ने अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए पन्नू को मारने की कथित साजिश के संबंध में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक अधिकारी का नाम लिया था। रॉ अधिकारी विक्रम यादव ने पन्नू को मारने के लिए एक हिट टीम बनाई थी। फिलहाल इस मामले में भारत ने भी जांच टीम का गठन किया है। टीम भी अपने तरीके से जांच कर रही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इन्हीं तमाम खबरों को पाते रहने के लिए देखते रहिए रितम।